इन सब का काम ना इवनिंग में करूंगी। और मैंने जैसे आप लोग को बताया था ना कि हम लोग भुटिया पीपल्स हैं यहाँ, तो ऐसा बना हमारे नीचे गांव का घर कुछ, ये सेकंड वाले पानी। तो मुझे ना लिटरली यहाँ पे वेट करते करते मतलब काफी तालाब बना हुआ, मेरा कुत्ता यहाँ डूब रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड अगेन वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने गांव से। और कल हम इवनिंग में अपने गांव आ गए थे, लेकिन कल भी यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो हम लोगों को मतलब टाइम लग गया। और हम लोग टाइल्स वगैरह लेके, तो हमने वो भी रोड पर छोड़ दिए थे। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने नीचे गाँव का घर, जहाँ पर हमारा घर का रेनोवेशन चलता था। और अभी ना हम लोग नाश्ता बनाते हैं और हम लोग के यहाँ टाइल्स लगेंगे आज से, तो रोड से टाइल्स भी लेके आने जो हम लोगों ने गाड़ी में तक लाए थे। और मेरी मम्मी अब गांव में ही बस चुके हैं, मेरी मम्मी को हम लोग की बिल्कुल याद नहीं आती है, और यही चाहिए मेरी मम्मी को बस। बोलो। और हम इसकी पैकी है। और मम्मी ने हमको जोशीमठ वाले घर में से अकेले छोड़ा रहता है, खुद को हमेशा गांव में, गांव के खेत या गांव का घर ही चाहिए रहता है मेरी मम्मी को। तो गांव ही है भाई। अब बच्चे नहीं चाहिए रहते? क्यों नहीं है, बच्चे तो पहुँच पे पहुँच गए, क्या बच्चे चाहिए। हाँ तो मेरी मम्मी, हाँ पप्पू दादी कैसे बोल रही, पप्पू दादी कैसे बोल रही है देख। हाँ तो मेरी मम्मी हमको ऐसे छोड़ के पहुंची रहती है, गांव ही रहती है हमेशा। तो ऐसा बना हमारे नीचे गांव का घर कुछ, ये सेकंड वाले स्टोरी में। और ये सारा सामान है यहाँ पे अभी। और यहाँ से ऊपर ऐसा बना है। पापा गुड मॉर्निंग बोलो। हेलो गुड मॉर्निंग। तो पापा भी उठ चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ और ये यहाँ से पूरा ऊपर ये हम लोगों का ही है। और यहाँ पे बन रहा है हमारा घर, ये किचन बन रहा है, इधर टॉयलेट बन रहा है, और इधर बन रहा है ये रूम, तीन रूम है हमारे। और अभी ये सीढ़ी जो है तो ये इधर आएगी। और ये हमारा चूल्हे वाला किचन जो कि गांव में बना रहे हैं, अभी इसको पूरा कंप्लीट करना है, यहाँ अंदर भी पूरा ठीक करवाया है। तो यहाँ पे मिल्ली भी उठ चुकी है। मिल्ली हाय हाय। तो ये सुबह सुबह ऐसा मुंह बना रही है, कुछ सो के उठी है। तो ये है मेरी मम्मी जो अब गांव में ही पड़ी रहती है वापस। हाय। हाँ। और ये है मिल्ली, रोटी खा रही हूँ, बोलो रोटी। तो हमारे नीचे गांव में ना कुछ ऐसा मौसम हो रखा है, धूप आने वाली है, अभी 6 बज रहे ना मम्मी सिर्फ, तो 6 बजे भी कुछ ऐसा मौसम हो रखा है। और लोगों ने अपनी गाय छोड़ी हुई है वहाँ पे, ये लोगों की गाय है यहाँ पे। और ये है मेन नेशनल हाईवे जो ये रोड जा रही है। तो ये मेरे पड़ोसी भैया भी उठ चुके हैं। हाँ हेलो बोलो भैया। और भैया सुबह सुबह उठ के बीड़ी पी रहे हैं यहाँ पे। और ये है भैया लोगों का घर। यहाँ पे ना मम्मी लोग अभी गए हैं, मम्मी भाभी गए हैं रोड पे टाइल्स लेने के लिए, और पापा जा रहे हैं जोशीमठ। तो अभी मैं ना पापा के साथ जोशीमठ नहीं गई, क्योंकि मम्मी लोग का यहाँ थोड़ा खेत गोड़ने का काम था, तो मैं मिल्ली की टेक केयर करूंगी। और ना घर पे आके मैंने फिर से मम्मी की स्वेटर पहन ली है, और एज यूजुअल होता ही ऐसा है कि वो टाइल्स लोग नीचे लाएंगे। और मुझे इसका गला रखा है यहाँ पे, ये मेरी पप्पू है, ये हाय पप्पू। और ये मिल्ली मेरे साथ है अभी, और हम लोग अभी मम्मी लोग टाइल्स लाएंगे, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किचन के लिए कौन से टाइल्स लाई और वॉशरूम के लिए कौन से। तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, और इसके बाद अभी मम्मी लोग गोड़ने जाएंगे, फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है ना कि प्रीवियस व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग यहाँ नीति घाटी के हाई हिमालय के भोटिया पीपल्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइग्रेशन करते हैं, हम लोगों के 2 गाँव होते हैं, ऊपर गाँव और नीचे गाँव। तो अभी आजकल ना फिलहाल सब लोग ऊपर गांव रहते हैं समर्स में, लेकिन आजकल हम लोग का नीचे गांव में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो हम लोग अपने नीचे वाले गांव के घर में हैं। और अड़ोस पड़ोस में आजकल मतलब कोई नहीं रहता है, सब लोग ऊपर गांव जा रखे हैं। तो फिलहाल तो आजकल मुझे ये भी लग रहा है कि मेरे जितने भी व्यूवर्स थे यूट्यूब के, वो सब कीड़ा जड़ी के जंगल जा रखे हैं, क्योंकि आजकल मेरे यूट्यूब वीडियो पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो लगभग मतलब लगा लो आधे से ज़्यादा, मैं समझ चुकी हूँ कि आधे से ज़्यादा जो मेरे व्यूवर्स है वो सब आजकल कीड़ा जड़ी के जंगल में, और वहाँ ना नेटवर्क नहीं चलता है शायद, तो वहाँ मतलब मेरी वीडियो देखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इसलिए। तो फिर ना पापा तो जोशीमठ जाने के लिए निकल चुके हैं, और आज मैं अभी 1-2 दिन के लिए मैं गांव ही रुक चुकी हूँ, और अभी आप लोगों को अपने गांव का व्यू दिखाती हूँ 1-2 दिन तक। 1-2 दिन तक अपने गांव, मेरे गांव में क्या क्या हो रहा है वो सब दिखाती हूँ यहाँ।
तो यहाँ पे ना हम लोगों का नाश्ता वगैरह हो चुका है और अभी मम्मी और भाभी खेत गए हुए हैं क्योंकि आज वहाँ आजकल वहाँ गोड़ने का काम चल रहा है ना खेत में। तो हम लोगों का एक खेत इस तरफ है तो मम्मी लोग इस तरफ वाले खेत में गए और मैं फिलहाल मिल्ली के साथ हूँ, बर्तन धोती हूँ ना, खाना वगैरह बनाती हूँ, दिन का लंच बनाती हूँ और साफ़ सफाई करनी है यहाँ पे थोड़ी सी, तो वो भी करती हूँ क्योंकि मम्मी लोग ना गाँव में मतलब थोड़ा सा यहाँ घर का ही काम चल रहा है तो उतनी साफ़ सफाई नहीं हो पाई, तो फिर मैं करती हूँ साफ़ सफाई अभी यहाँ पे घर की। और पापा निकल चुके हैं जोशीमठ। आप में से ना कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम किया था कि आप लोगों के कितने घर हैं, तो हम लोग ना भोटे ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं तो दो घर तो हम लोग के होते ही होते हैं, एक घर हमारा ऊपर गांव में होता है और एक घर हमारा नीचे गांव में होता है। तो जो हमारा ऊपर गांव का घर होता है उसमें हम समर में रहते हैं और जो नीचे गाँव का घर होता है उसमें हम विंटर्स में रहते हैं। मतलब ये गाँव का ट्रेडिशन है और माइग्रेशन भी बोल सकते हैं इसे, जैसे कि भोटे ट्रेडिशन में हम लोग करते ही हैं। और ये जो हमारा जोशीमठ वाला घर है वहाँ तो हम लोग स्कूलिंग के टाइम पर रहे हैं मतलब, और अभी भी वहीं रहते हैं। पर जैसे हमारे गांव में कोई फेस्टिवल वगैरह कुछ भी होता है तो मतलब खेत वगैरह तो ये सब हमारे गांव में ही है तो मम्मी लोग अक्सर गांव आते रहते हैं और दोनों घर देख तीनों घर देखने पड़ते हैं, जोशीमठ का भी, यहाँ का भी और ऊपर गांव का भी। तो जो आप लोग कमेंट में पूछ रहे थे ना कि आप लोग कितने घरों में रहते हो, तो हम लोग के तीन घर हैं, एक जोशीमठ, एक यहाँ नीचे गाँव और एक ऊपर गाँव। तो यहाँ पे ना मैंने दिन का खाना भी बना लिया है और अभी भी मम्मी लोग खेत से नहीं आए, मम्मी और भाभी, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि आज, क्योंकि मैं अभी शायद दिन में जोशीमठ जाऊंगी तो मम्मी लोग निपटा के ही आ रहे हैं पूरा। और मैंने यहाँ पे खाना वगैरह बना दिया है और मैंने अभी बनाई है राई की कढ़ी बनाई है और राई की झोई बनाई है और मैंने चावल बनाया है। तो मिली ना गाँव में आके कुछ ऐसे खुश हो जाती है और दौड़ती रहती है। ये हमारे पड़ोसी रघु भैया लोगों का घर है और ये हो रहा है रेनोवेशन का काम चल रहा है तो सारा सामान यहाँ पे से पड़ा हुआ है और ऊपर अभी भी हो ही रहा है, अभी तो कंप्लीट करना बाकी है इनको। और ये है मिली, तो हम लोग जा रहे हैं छत पे। पप्पू यहाँ देखो और यहाँ हो रहा है रहने जा, बोलो हाय। चलो तो ये वाले कमरे बने हुए हैं यहाँ पे और यहाँ भी रेनोवेशन का पूरा चल रहा है। आज इधर आ जा और ये मुझे दिखा रही है पप्पू मेरा कमरा कौन सा वाला है, कौन सा वाला, बाप रे इधर देखो। तो जो टाइल्स आए थे ना हम लोग तो वो टाइल्स यहाँ पे रखे हुए हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन कौन से वाले चूज किए थे, हो सकता है फटे कोई। पुफू नदी बात यहाँ आ जाओ, आपको मैं टाइल्स दिखाती हूँ, ये वाली टाइल्स देखो हाँ कैसे लगे। तो ये वाला जो ऐसा टाइल्स है तो ये हम किचन के फर्स्ट लाए। पुफू कैसे लगा यहाँ, पुफू कैसा लगा, अच्छा लगा। तो मिल्ली को तो पसंद आ रहे हैं और ये वाले भी लाए थे हम, ये अभी बैक साइड से हैं, उल्टे पलटा रखे शायद तो दिखेंगे नहीं। और ऐसा तो ऐसे कुछ स्टाइल्स पसंद करके लाए हम जो फर्श के लिए लाए हैं और किचन के लिए दूसरे टाइप के, वो भी दिखाते हैं। पुफू आपको कैसे लगा, पुफू आपको सारा सामान कैसा लगा, कैसे लगा ए पापा, इसको वाव 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 लगा सर सर। तो अभी ना शायद घर बनने में तो टाइम लगेगा ही क्योंकि अभी तो सिर्फ प्लास्टर वगैरह हुआ है, अभी घर के आगे पूरा फर्श वगैरह बिछना है वुडन का, तो टाइम लगेगा अभी। तो मम्मी तो शायद मेरी अब बाद नहीं आएगी तो अभी तो मुझे ही जाना पड़ेगा, शाम को अभी मैं देखती हूँ खाना खा के मैं ही चलती हूँ जोशीमठ क्योंकि पापा के साथ भी कोई चाहिए ना वहाँ जोशीमठ वाले घर में, तो मम्मी लोग यहीं रहेंगे फिलहाल, मुझे तो यही देख के लग रहा है। और हम लोग अभी निकालते हैं, मिल्ली को ना सारे रास्ते से याद हो रखे इधर से उधर, पुफू गिनना मत। क्या चाहिए मम्मी, पानी, अपने गांव से जोशीमठ जाने लग गई हूँ और अभी मम्मी और मुझे रोड पे छोड़ने आ रहे हैं और इससे लिपस्टिक से मुंह ऐसे कर दिया, हंस कैसे रही है। और मेरी मम्मी अभी खेत से आई तो हम लोग चलते हैं गांव तक छोड़ने आ रहे हैं मम्मी और मम्मी की नतनी। यहाँ देख मिली बाय, हाय नहीं देख। तो फ्रेंड्स मुझे ना यहाँ पे तपोवन तक की गाड़ी मिली तो मैं तपोवन तक आ गई थी और अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे मैं दोबारा से गाड़ी का वेट कर रही हूँ जो जोशीमठ तक जाएगी, तो आप लोगों को दिखाती हूँ आगे। तो ये ना तपोवन वाला एरिया ये है जो कि मार्केट एरिया है और यहाँ से नीचे ये है तपोवन का स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है जो, और ये है वो एरिया जहाँ पे ना एवलांच आया था और यहाँ नीचे है वो तपोवन ऋषि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है और यहाँ से आया था वो सारा का सारा जो भी आया।
यही वो एरिया जहाँ पे एवलांच आया था 2021 या 22 में, यहाँ ऊपर रेणी विलेज से, और ये पूरा जगह ना यहाँ पे बह गया था नीचे, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यही है वो डिजास्टर प्लेस, और इधर यहाँ पे लोगों के घर वगैरह। तो मुझे ना लिटरली यहाँ पे वेट करते करते, मतलब काफ़ी टाइम पे वेट कर रही हूँ, मुझे आधा घंटा हो गया, पर यहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह तो जा नहीं रही, जो जोशीमठ के लिए जा रही होंगी। तो अभी देखती हूँ, वेट करती हूँ, बारिश भी आने लग गई, मौसम ख़राब होने वाला है, तो अभी आपसे पहुँच के मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे गांव से अपने घर पहुँच चुकी हूँ, और घर आते ही मैंने क्या देखा आप लोगों को दिखा, तालाब बना हुआ, मेरा कुत्ता यहाँ डूब रहा है, सिम्बा पानी साफ नहीं कर सकता, चलो। तो ना फ्रेंड्स, यहाँ पे पानी पानी भर चुका है पूरा, यहाँ पे पूरा पानी पानी हो चुका है, और ये तू क्या भूत बना हुआ, तू क्या भूत बना हुआ, चल चल अंदर चल। ओ गॉड दिया, यहाँ तो कितना खतरनाक हो गया, सबके छत का यही हाल है। तो अभी बज रहे इवनिंग के 6:55 हो गया है, 7 बजने वाले हैं, और अभी मैं ऊपर पे गई थी क्योंकि मैं अपना पार्सल रिसीव नहीं कर पाई, तो मैंने एक पार्सल मंगाया था, इसमें मैंने सीड मंगाए थे, मतलब बीज मंगाए थे मैंने फ्लावर्स के, तो इसमें ना काफ़ी फ्लावर्स के बीज आ रखे, मैं आपको दिखाती हूँ, सीड दिखाती हूँ, और अगर होंगे तो आप लोग को भी दिख जाएगा मेरे ब्लॉग में, और बाकी तो आपको दिखाती हूँ, बहुत सारे फ्लावर्स इसमें, मतलब ऑनलाइन ऐसे मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया है सीड वगैरह, पता नहीं है ये होंगे भी नहीं होंगे, पर देखते हैं, होंगे तो आप लोग को दिखा दूंगी। गोल्ड हो गया, और ये तो बहुत सारे फूल ऐसे हैं जिनका मुझे नाम भी नहीं पता है, और जैसे ये आइस प्लांट हो गया, तो ये काफ़ी सारे मतलब कम कम सीड्स आए हैं, पर मैं ये सब लगाऊंगी, जैस्मीन वगैरह, और ये सारे फ्लावर्स जो डहेलिया और ये ट्यूलिप वगैरह सारे फ्लावर्स आए हैं, तो मैं इन सबको बोऊंगी आज, अपने शाम को गार्डनिंग करूंगी, क्योंकि मुझे गार्डनिंग करना भी अच्छा लगता है। तो अगर होंगे तो आप लोगों को, ये मैरीगोल्ड है, और मैंने ऑनलाइन मंगाई थी काफ़ी सारे।